स्वागत है आप सभी का फिट रहेगा इंडिया में और आपके साथ मैं हूँ मेघा कौशिक। दोस्तों, फिट रहेगा इंडिया में हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं, पॉजिटिव बनाए रख सकते हैं। और क्योंकि योग आसन ऐसी चीज़ है जो हजारों सालों से चली आ रही है, हमारे ऋषि मुनि सालों से ये कर रहे हैं और अभी भी करते हैं। कई तो हिमालय पे जाके बहुत लंबे समय तक योग करते हैं, आसन करते हैं और उनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपकी बॉडी अगर बैठे बैठे बहुत आप में वेट बढ़ गया है, बॉडी ने जो है वो बहुत सारा फैट जो है वो इंक्रीज़ कर लिया है, वो जो है फैट बहुत ज़्यादा आ गया है बॉडी में, तो आपको ऐसे में क्या करना है, क्या कुछ आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अपना वो बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ करना है। और हमारे साथ योगा टीचर ज्योति सिंह मौजूद हैं। हाय ज्योति। हेलो। हाय मेघा। तो ज्योति, आजकल हम लोग क्या करते हैं कि खाते तो बहुत सारा है और खाने के बाद बैठ जाते हैं और जिससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसे सही से पचा नहीं पाता है। yes. बहुत सारी पेट की प्रॉब्लम हो जाती है। यस, एक्चुअली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसकी जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि हम खाते तो बहुत कुछ हैं, हमें तो खाना तो बहुत स्वादिष्ट चाहिए, हर किसी को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खाना चाहिए, बट उसको पचाने के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। पचाने के लिए कुछ लोग ऐसे करते हैं, गर्म पानी पीते हैं, कुछ लोग खाना खाने के बाद कुछ लोग हैं जो वज्रासन में भी बैठते हैं। खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना बहुत अच्छा होता है खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए। और कुछ लोग हैं जो वॉक भी करते हैं शाम को, बट क्या वो इनफ है? क्या ऐसे लोग हैं जो सच में ये बताते हैं कि हमारे से वॉक करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है? अच्छा, जब डाइजेशन सही नहीं होता है तो वेट जो है आपका वो ज़्यादा गेन होता है और वेट लॉस भी ज़्यादा होता है। दोनों तरीके से ये आपकी बॉडी में नेगेटिवली वर्क करता है, आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके सिवा आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, बहुत सारी डाइजेशन की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही बॉडी पे हमारी बहुत अलग तरीके से वर्क करती है, पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले तो हमारे इस पोर्शन को खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। और इसे खुश रखने के लिए हमें क्या एक्सरसाइज आज करने वाली हैं, आप सिखाने वाली हैं? जी, तो हम इसको खुश रखने के लिए कुछ आसन करेंगे। और उसके सिवा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है तो आप गर्म पानी पीते रहिए, और इसके सिवा अपने किसी योगा टीचर से, योगा एक्सपर्ट से, आपकी जिस भी टाइप की बॉडी टाइप है, जैसे कफा है, वाता है, पित्ता है, उसको ज़रूर शेयर करें और उनसे भी ज़रूर पूछें कि हमारी इस टाइप की जो बॉडी है, जो डोमिनेंट है हमारी बॉडी में, वो कफा है, वाता है या पित्ता है, तो आपके योगा टीचर आपको ज़रूर सही एडवाइस देंगे, सही चीज़ें रिकमेंड करेंगे। तो आज हम कुछ आसन करेंगे जो आपके डाइजेशन को सुधारने में बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। इसके सिवाय, डाइजेशन के सिवाय भी हमारा जो बॉडी है उसमें रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, जो जिससे हम एक नई लाइफ को जन्म देते हैं, जो लोअर पार्ट है हमारा, उस पर भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत ही पॉजिटिवली वर्क करता है। जिस पोर्शन के लिए, जो चीज़ें हम अपने दिमाग में कभी रखते नहीं हैं कि ये भी लाइफ में प्रॉब्लम है, एक्चुअली उनको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि ये प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। और तो हम इन दोनों चीज़ों के लिए ही वर्क करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। और आसन कौन सा करना है ज्योति जी? सबसे पहले हम लोग करेंगे उत्तान पादासन जी। तो सबसे पहले उत्तान पादासन के लिए हमें लेटना है फ्लैट बैक के साथ, तो हम पहले लेट जाते हैं। तो हमें सबसे पहले लेटना है, अपने दोनों पैरों को जॉइंट कर लीजिए और अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेट रख दीजिए ज़मीन पर, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। और अब यहाँ से, क्योंकि हमारी जब हम अपने पैर को ऊपर उठाते हैं तो हमारी लोअर बैक पे ज़्यादा प्रेशर आता है, तो उसके लिए हम अपने हाथों को अपने हिप्स के नीचे रख लेंगे। इस तरीके से अपने हाथों को अपने हिप्स के नीचे रख लीजिए और अपने टोज को स्ट्रेच कर लीजिए अच्छे से, इस तरीके से फ्लेक्स कर लीजिए और पैरों को यूँ हवा में उठा दीजिए और यहाँ पर रिलैक्स करिए, इस आसन को एंजॉय करिए, सांसें लेते रहिए, सांस लीजिए गहरी गहरी। और एक बार जब आप इस आसन में कंफर्टेबल हो जाएं तो अपने लेग्स का लेवल और बढ़ा सकते हैं और ऊपर लेके जा सकते हैं। आप इसको होल्ड करिए 10 से 15 सांसों तक। धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए नीचे लेके आएंगे और ज़मीन पे वापस रख देंगे।
हाथों को बाहर निकालिए और एक बार अपनी बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए। अब जो हम सेकंड करने वाले हैं वो भी हमें इसी जगह से शुरू करना है। तो पहले अपने नीज को बेंड कर लीजिए, अपने दोनों नीज को एक साथ बेंड करके अपने पैरों को पास लाइए हिप्स के, और अपने राइट लेग को स्ट्रेट करिए और लेफ्ट लेग को इस तरीके से बेंड करिए और अपने बॉडी के क्लोजर लाइए अपने लेफ्ट लेग को, एंड देन इस तरीके से चेंज करिए। इसको साइकिलिंग पोज कहते हैं, साइकिलिंग मूव्स कर रहे हैं हम। इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, 20 से 25 रिपीट करिए इसके, और स्पीड भी जैसे जैसे हम करते हैं तो बढ़ा सकते जी हैं। जैसे आपका बॉडी कंफर्टेबल हो आप स्पीड भी इसकी इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप उसको बहुत ही स्लोली, बहुत आराम से एक एक पैर को बढ़ाते हुए करिए। और अब रिवर्स करेंगे इसकी, एंड देन धीरे से रिलैक्स करते हुए लेट जाइए अपने बेस पोज पे, रिलैक्स करिए। ओके, इसके बाद हम अपने लेग्स को बेंड करेंगे एक एक करके ऐसे, और हम अपने राइट लेग को स्ट्रेट करेंगे, एंड देन इसको यूं रोल करिए, सर्कल बनाएं। जी, सर्कल बनाना है हमें, और रिवर्स में सर्कल बनाएंगे। और फिर इसको रिलैक्स करिए, सेम चीज़ हम लेफ्ट के साथ रिपीट करेंगे। और रिवर्स, एंड देन रिलैक्स। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप इसको स्ट्रेट करके, लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करके राइट लेग के साथ सर्कल बना सकते हैं। एंड देन रिवर्स करिए। देन रिलैक्स, अदर लेग, सर्कल, एंड देन रिवर्स। एंड देन रिलैक्स, रेस्ट करिए। ओके, तो नेक्स्ट आसन करेंगे हम। नेक्स्ट आसन, जैसा कि पता है आप लोगों को, बोट पोज बहुत ही फेमस आसन है। बोट पोज, बोट पोज में हम बहुत ही सिंपल सी बोट बनाएंगे, बहुत ही प्लेन सी, प्यारी सी। तो इसके लिए थोड़ा सा अपने हेड को ऊपर उठाइए और अपने लेग्स को एक एक करके स्ट्रेट करने की कोशिश करिए, और हाथों को हवा में लाने की कोशिश करिए। स्टे करिए पोज के अंदर और ऊपर देखिए, और यहाँ पे रिलैक्स करिए अपनी बॉडी को, सांसें लेते रहिए और धीरे धीरे वापस आ जाइए और रेस्ट करिए अपने बेस पोजीशन पे। अब एक आखिरी पोज करेंगे हम, जिसके लिए हमें अपने राइट हैंड को और लेफ्ट हैंड को पहले बाहर खोलना है, स्प्रेड करना है, एंड देन राइट नी को पहले हम बेंड करेंगे और अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, अपने नी को लेके जाएंगे राइट नी को, और अपने राइट नी को हमें लेफ्ट हैंड से यूं पकड़ना है, लेफ्ट हैंड से पकड़ना है राइट नी को और राइट साइड में देखना है। इस आसन को कहते हैं यूनिवर्सल ट्विस्ट, जो बहुत ही अच्छी ट्विस्टिंग है, रिलैक्सेशन में भी बहुत अच्छा वर्क करती है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी बहुत अच्छा वर्क करती है। इनहेल करते हुए वापस आ जाइए और एक्सहेल करते हुए अदर साइड में सेम वैसे ही लेफ्ट नी को बेंड करते हुए राइट हैंड से पकड़ने की कोशिश करेंगे और लेफ्ट साइड में देखना है। इनहेल करते हुए कम बैक,
एंड देन रिलैक्स योर आर्म्स और धीरे धीरे करके उठ जाएंगे। तो ये कुछ आसन जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा हो जाता है आपकी प्रॉब्लम्स, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आती हैं, तो वो आना ख़त्म हो जाएंगी, वो बंद हो जाएंगी। ज्योति थैंक यू सो मच। वेलकम। तो फिलहाल के लिए यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।